This video is powered by Filmora. Easily create awesome videos. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला अपडेट है वो है मुंबई मीटअप को लेके। अब ऐसे में दोस्तों जो ग्रैंड मीटअप है वो होने वाला है 18 दिसंबर यानी कि संडे को। अब ये कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए एक और मीटअप होने वाला है 17 दिसंबर यानी कि शनिवार को, और ये दोस्तों हो रहा है यूट्यूब इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में। तो ऐसे में अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अगर आपके चैनल पे 1000 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आप दोस्तों जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां पे जाके अपनी एंट्री डाल दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपका नाम आ जाता है, क्योंकि जो सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो ऐसे में दोस्तों हम मिलेंगे YouTube स्पेस मुंबई में 17 दिसंबर को। पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे और उसके अलावा YouTube से जुड़ी हुई काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपस में शेयर करेंगे, और हो सकता है अगर मैं वहां पे कोई वीडियो प्लान करता हूं तो आप उसका हिस्सा बन सके। दूसरों सबसे पहली न्यूज है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से, और एक पोस्टर यहां पे लीक हुआ है जहां पे आपको देखने को मिलता है EABS लिखा हुआ। दोस्तों इसका मतलब यह है कि शायद Xiaomi 12 दिसंबर को होने वाले इवेंट में कोई इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दे जहां पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाए। वैसे लगता नहीं कि कार Xiaomi के बस की बात है, क्या पता कुछ इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह लॉन्च कर देगा। देखते हैं कि क्या करता है Xiaomi धमाका 12 दिसंबर को। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से, और बहुत ही बेकार सा ये अपडेट है, काफी उदासी भरा अपडेट है कि दोस्तों 2017 के जो आईफोन होंगे वो आपको मिलेंगे आईफोन 7S और 7S प्लस के नाम से। कोई भी चेंज नहीं होगा, डिजाइन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो इस साल के आपको आईफोन पे देखने को मिलता है। जो आईफोन 8 के हम सपने देख रहे थे कि 2017 में आईफोन को 10 साल हो जाएंगे, आईफोन 8 आएगा, ओलेड स्क्रीन आएगा, कर्व्ड स्क्रीन आएगा, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, ग्लास बैक मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, ऐसा दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है। जो आपको मिलेगा वो शायद हो सकता है एक नया रंग जो कि है रेड। हाँ, बड़ी नाइंसाफी है यार, किडनी ले लेते हैं हमारी, बदले में फोन मिलता नहीं है कुछ ऐसा। देखते हैं दोस्तों आईफोन फिर क्या लेके आता है अपने साथ जब लॉन्च होगा 2017 में। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है मोटरोला के लिए, और यहाँ पे दोस्तों इंडिया में मोटो M 13 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। जो चाइना में दोस्तों फोन है वो लॉन्च हो चुका था पहले ही। जो प्राइस चाइना की दोस्तों निकल के आई थी वो थी करीब 20,000 रुपए के आसपास। तो ऐसे में आपको यहाँ पे मिलता है मीडिया की तरफ से हीलियो P15 प्रोसेसर, 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन, 4GB की रैम, 32GB स्टोरेज, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 16MP का रियर कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा, 3050mAh की बैटरी। और आप मुझे बताइए कि क्या आप ये सब स्पेसिफिकेशंस जो है वो अगर दोस्तों फोन लेके आता है 20,000 रुपए के आसपास तो इंटरेस्टेड होंगे खरीदने में, या फिर आप कहीं और मूव करेंगे मोटोरोला के अलावा। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, और दोस्तों ड्रोन्स जो हैं वो ब्लड को अब सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं रिमोट एरियाज में। इसको लेकर दोस्तों एक प्रैक्टिकल टेस्टिंग जो है वो की जा चुकी है। आज से दोस्तों पहले इसके लिए सिर्फ आइडियाज थे, लेकिन दोस्तों यहां पे एक कूलर लगा के ड्रोन के नीचे उड़ाया गया दोस्तों इसको करीब 13 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जो कंप्लीट दोस्तों टाइम लगा वो लगा करीब 26 मिनट का, और यहाँ पे दोस्तों जो ब्लड है वो बिल्कुल सेफली आराम से पहुंचाया जा चुका था। तो देखते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या पता रिमोट एरियाज में, क्या पता इमरजेंसी कंडीशन में, क्या पता डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में हम ड्रोन्स के थ्रू ब्लड को भी डिलीवर कर पाएं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है एयरटेल की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों एयरटेल ने दो नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं अनलिमिटेड नेशनल कॉलिंग को लेकर। जो पहला प्लान दोस्तों वो है 145 रुपीज का, यहाँ पे आप पूरे इंडिया में एयरटेल टू एयरटेल कॉल्स कर सकते हैं अनलिमिटेड, और साथ में दोस्तों आपको मिलेगा 300 MB का डेटा। जो दूसरा दोस्तों प्लान है वो है 345 रुपए पर मंथ का, और यहाँ पे आप इंडिया में किसी भी नंबर पे अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं और आपको मिलेगा 1GB डेटा। तो सब जियो का इफेक्ट है, और ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कोई सस्ते प्लान्स आते हैं क्या, और एयरटेल के अलावा वोडाफोन हुआ या फिर आइडिया वगैरह हुआ वो कैसे दोस्तों नए प्लान्स लेके आते हैं जियो के साथ कम्पीट करने के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि एक विंडोज 10 का फुल वर्जन दोस्तों चल पाएगा आर्म बेस्ड प्रोसेसर पे, जैसे कि मान लीजिए क्वालकॉम वगैरह है, वो दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों ये भी कहता है कि 2017 में आपको वो पहला डिवाइस देखने को मिल जाएगा जहां पे एक क्वालकॉम बेस्ड प्रोसेसर होगा जो कि होगा स्पेसिफिकली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, और दोस्तों उस पे आप फुल विंडोज 10 को यूज कर पाएंगे। तो ये हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का जो रूमर्ड सरफेस फोन है वो है, या फिर क्या पता कोई टैबलेट है, या फिर क्या पता कोई लैपटॉप है जहां पे दोस्तों आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा क्वालकॉम का, लेकिन आप फुल विंडोज को रन कर पाएंगे।
फोन तो यार खैर चलो जो भी है। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है लिनोवो की तरफ से, और यहाँ पे लिनोवो का जो योगा बुक है दोस्तों वो भी इंडिया में 13 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। ये दोस्तों एक बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग सा लैपटॉप कम टैबलेट है जिसको आप फोल्ड वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड नहीं मिलता है, उसकी बजाय दोस्तों आपको कंप्लीट फ्लैट सर्फेस मिलती है जहां पे आप एक पेन के थ्रू कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे वर्चुअल कीपैड अगर देखने को मिल जाता है, 10 इंच का यहाँ पे दोस्तों डिवाइस है। तो देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस पे आता है, और कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर ये अपने आप में एक अलग टाइप का डिवाइस है। अगर आप एक क्रिएटर वगैरह हैं तो ऐसे में आप अपने पेन से कुछ अच्छी अच्छी जो है स्केचेस वगैरह डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, और उसके अलावा इसको एज अ टैबलेट या एज अ लैपटॉप वगैरह अलग अलग सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है नासा की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों नासा का जो मार्स रोवर है वहां पे ग्लिच आ गई है, जो उसकी रोबोटिक आर्म है दोस्तों उसने काम करना बंद कर दिया है। देखते हैं दोस्तों इसको कैसे ठीक कर पाता है नासा। जो मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट्स को दोस्तों रिमोटली ठीक करने के लिए कल एक प्लान चल रहा था, तो इसका मतलब ये कि अगर आप ऐसे कुछ मंगल वंगल पे चांद वगैरह पे कुछ भेजते हैं तो साथ में एक और मैकेनिक को भी भेज दीजिए, जिससे अगर एक मशीन खराब हो जाए तो कम से कम दूसरी मशीन उसको ठीक कर दे। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है अल्काटेल की तरफ से, और इंडिया में अल्काटेल का आइडल 4 जो है वो लॉन्च हुआ है। जो प्राइस है वो है 16,999 रुपए, 617 मिलता है, 3GB रैम मिलती है, 16GB स्टोरेज मिलती है, 5.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, साथ में आपको एक VR ग्लासेस मिलते हैं। लगता नहीं है कि इतना हिट होगा, और क्या पता बिक भी जाए, बाकी इतना कुछ खास फोन लगता नहीं है स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। और आपको यहाँ पे मीडिया को एक हाईलाइट बना के फोन बेचा जाएगा जहां पे आपको स्टूडियो स्पीकर्स मिलेंगे, सामने की तरफ ड्यूअल स्पीकर्स हैं, उसके अलावा VR साथ में आ रहा है, JBL के ईयरफोन्स वगैरह आ रहे हैं। देखते हैं कि अल्काटेल क्या कर पाता है इंडियन मार्केट में अल्काटेल आइडल 4 के साथ में। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही जल्दी ऐप जो है वो लॉन्च की जाने वाली है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसका नाम होगा 100। और यहाँ पे दोस्तों इस ऐप की मदद से आप पुलिस को कॉल कर पाएंगे किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि यहां पे आपके पास में होगा एक SOS बटन जिसको आप दबा दीजिए, और बाद में पुलिस के पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाएगी, और एक PCR वैन दोस्तों आपके लिए रवाना हो जाएगी। दूसरा करंट सिनेरियो है वो ये कि रोजाना करीब 27,000 कॉल्स आती हैं दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां पे करीब 40% जो होती हैं वो होती हैं ब्लैंक कॉल्स। तो देखते हैं कि ऐप के आने के बाद में कितने ब्लैंक दोस्तों ऐसे रिक्वेस्ट जाएंगी पुलिस के पास में, और कैसे पुलिस उनको टैकल करेगी। लेकिन इसके अलावा इसका एक फायदा भी है कि यहाँ पे दोस्तों जो आपकी लोकेशन है वो भी पुलिस के पास साथ का साथ पहुंच जाएगी, तो आपको डायरेक्शंस नहीं बतानी पड़ेंगी, जो आपके फोन का GPS है वहीं से पुलिस को पता चल जाएगा कि आप इस टाइम पे कहां पे हैं और आपको किस डायरेक्शन में कहां पे कितनी दूर मदद की जरूरत है। बहुत ही दोस्तों ऐप आने वाली है, और शायद उससे हमको क्राइम के अगेंस्ट लड़ने में कुछ और मदद मिले। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 के लिए, और दोस्तों इसको स्पॉट किया गया है कुछ बेंचमार्किंग वेबसाइट्स पे। अभी तक ये पता नहीं था कि ये कितने कोर्स का प्रोसेसर है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो लीक निकल के आया है वो ये कि ये एक 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और यहाँ पे जो GPU दोस्तों वो है एड्रीनो का 540, और जो इसका दोस्तों एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है वो है 181434, बहुत ही कमाल का स्कोर है, और दोस्तों ये आईफोन 7 को भी बीट करता है। तो देखते हैं कि ये एग्जैक्टली किस स्टैंडर्ड में आता है, क्या इसके अंदर कुछ कोर्स वगैरह हैं वो देखने को मिलती हैं, कितनी कोर्स हैं, क्या एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, ये तो फिलहाल बस एक लीक है, और क्या पता दोस्तों आगे आपको S8 में 835 देखने को मिल जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक बहुत ही कमाल की मशीन के बारे में है। अगर आपको पता है मरुआना के बारे में, इसको हम कहते हैं दोस्तों नॉर्मल भाषा में वीड, तो उसको दोस्तों उगाना बहुत ही आसान है अब उस मशीन की मदद से। US में कुछ स्टेट्स में दोस्तों मरुआना को खुद से उगाना लीगल कर दिया गया है, और ऐसे में ये एक फ्रिज जैसी मशीन है, इसके अंदर आप बीज डाल दीजिए, मशीन को बंद कर दीजिए, तो आप अपने फोन में देख पाएंगे आपके अंदर कैमरास जो लगे हैं वहां पे उस मशीन में कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसी है, उसको कब कितनी रोशनी चाहिए, कितना पानी देना है, क्या न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ये सारा काम दोस्तों ये मशीन करने वाली है। तो हालांकि आप इसे मरवाना नहीं, आप इसके अंदर जो चाहे वो हर्ब उगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। प्राइस बहुत ज्यादा है, करीब $3,000, लेकिन ऐसे में आप एक स्मार्ट होम में एक स्मार्ट डिवाइस लगा के अपनी कोई भी मनपसंद हर्ब को उगा सकते हैं और अपने फोन के थ्रू उसकी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है ब्लूटूथ 5 के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है इसको कंप्लीटली फाइनलाइज कर दिया गया, उसके स्पेक्स वगैरह वो कंप्लीटली सामने आ चुकी है, और आपको 2017 में दोस्तों पहले डिवाइस मिल जाएंगे जहां पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5। जो रेंज दोस्तों है उसको 4 गुना बढ़ाया गया है, जो स्पीड है उसको डबल कर दिया गया है, और ऐसे में दोस्तों करंट बैंडविड्थ है उसको 8 गुना कर दिया गया है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो दोस्तों अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए उनको जो रेंज है वो
थोड़ी कम चाहिए, उनको थोड़ी स्पीड ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में वो उसके हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिकेशन को चेंज कर पाएंगे, तो वो ज्यादा रेंज देना चाहते हैं, वो थोड़ी ज्यादा स्पीड देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्लूटूथ को दोस्तों मॉडिफाई कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए टेकटॉक के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।